हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पून ऑयल। मैं हूं सुजाता। आज की हमारी रेसिपी है चीज़ी ऑनियन रिंग्स। चीज़ी ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें छील लिया है। प्याज को छीलने के बाद एक अंगुल या फिर लगभग 1.5 सेंटीमीटर की साइज़ में इसको स्लाइसेस में कट कर लें। कटी हुई स्लाइसेस में से एक एक ऑनियन रिंग को अलग अलग कर लें। चीज़ी ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए मोस्टली प्याज के बीच वाले पोर्शन की स्लाइसेस ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, इसलिए बची हुई ऑनियन रिंग्स का इस्तेमाल आप क्रिस्पी ऑनियन रिंग्स बनाने में या सब्जी पे कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 ऑनियन रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। इसमें से बीच की ऑनियन रिंग को निकाल दें, इसकी जगह हम चीज़ स्टफ करेंगे। इसी तरह बाकी ऑनियन रिंग्स को भी तैयार कर लें। मैंने यहाँ स्टफ़ करने के लिए चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ स्लाइसेस को ऑनियन रिंग्स के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लें और 2 ऑनियन रिंग्स के बीच में स्टफ़ कर दें। इसी तरह से मैंने सारी ऑनियन रिंग्स में चीज़ को स्टफ़ कर लिया है। चीज़ स्टफ़ की हुई ऑनियन रिंग्स को 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। 10 मिनट बाद फ्रीजर से निकाल लें और इस पर सूखी मैदा की एक कोटिंग कर लें। सूखी मैदा की कोटिंग करने के बाद इसे मैदा के घोल में डिप कर दें और मैदा के घोल से निकालने के बाद इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें। पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी के वीडियो में मैंने जिस तरीके से ब्रेड क्रम्स और मैदा के घोल को बनाया था, उसी तरीके से इसे यहाँ पे भी बनाया है। एक बार ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाने के बाद इसे दोबारा से मैदा के घोल में डिप करके दोबारा से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें। इसी तरीके से सारी चीज़ी ऑनियन रिंग्स के ऊपर मैंने मैदा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। 1 घंटे तक फ्रिज में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाती है। 1 घंटे बाद आप इन्हें जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीजर में रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगी। और क्योंकि हमने इन्हें फ्रीज से निकाला है, ये ठंडी है, इसलिए मैंने यहाँ तेल को हाई टेम्परेचर पर गरम किया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इन चीज़ी ऑनियन रिंग्स को तेल में फ्राई कर लें। जिस तरीके से चीज़ पोटैटो बॉल्स में से थोड़ी सी चीज़ ऊज आउट होने तक हमने उन्हें फ्राई किया था, उसी तरीके से चीज़ी ऑनियन रिंग्स को भी उसी टाइम तक फ्राई करना है जब तक उसमें से थोड़ी सी चीज़ ऊज आउट नहीं होने लगती है और तेल में से आवाज़ आने लगती है, तभी तक हमें इन्हें फ्राई करना है बस। सारी चीज़ी ऑनियन रिंग्स को इसी तरीके से फ्राई कर लें और चीज़ी ऑनियन रिंग्स रेडी है।